This video is going to be in Hindi. So if you are going to watch it in English, we have already posted the English version. ठीक है guys, आज discuss करते हैं speaking module को. क्या आपके speaking module में number नहीं आ रहे हैं? क्या आपके scores ऐसे 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 दिख रहे हैं? आपको नहीं पता लग रहा है कि आपके reading में भी number आ रहे हैं, listening में भी आ रहे हैं, writing में भी आ रहे हैं, but speaking में नहीं आ रहे हैं. हमने figure out कर लिया है. मैंने recently exam दिया है Pearson का जलंधर में और आइडेंटिफाई करा है कि क्या इशू आ रहा है स्पीकिंग में काफ़ी बच्चों को. मेरे परफेक्ट 90 आए हैं, मेरा स्कोर रीडिंग में भी परफेक्ट आया, लिस्निंग में भी परफेक्ट आया. हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या इशू आ रहा है बच्चों को और कैसे उसको फिक्स करना है. तो ये वीडियो आखिर तक देखिए. सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं स्पीकिंग मॉड्यूल को. स्पीकिंग मॉड्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है डिस्क्राइब इमेज का. डिस्क्राइब इमेज के सारे कॉम्पोनेंट्स जैसे कि फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट, स्पीकिंग को ही मार्क्स देते हैं. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपका स्पीकिंग का. आप कहाँ पर लैक कर रहे हो इस टास्क में? फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में तो बच्चे फिर भी परफॉर्म कर लेते हैं, बट कंटेंट को मिस करने की वजह से उनके ना ही फ्लुएंसी में नंबर आ रहे हैं ना ही प्रोनाउंसिएशन में. कंटेंट एक ऐसा कॉम्पोनेंट है, अगर इसमें आपके ज़ीरो हैं फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे. रीसेंट कन्वर्सेशन जो हमारी पेयर्सन हेड द्वाबा से हुई है, उनसे यही हमें जानने को मिला है कि कंटेंट पीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका कंटेंट ज़ीरो आता है तो फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन भी ज़ीरो होगी. तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इनफ कीवर्ड्स बोलने हैं आपको डिस्क्राइब इमेज के टास्क में. डिस्क्राइब इमेज में आपको नाउन्स पिक करने हैं कम से कम 15, ताकि आपके पास इनफ कीवर्ड्स हो. और आपको टैम्पलेट ऐसा यूज़ करना है जो हर एक इमेज में यूज़ हो रहा हो, जिसमें आपके तीनों कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती हो. काफ़ी स्टूडेंट्स टैम्पलेट ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें वो बहुत फास्ट बोल रहे हैं, या जिसमें उनकी प्रोनाउंसिएशन रिकॉर्ड नहीं हो रही है, जिसमें उनका कंटेंट रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से उनका डिस्क्राइब इमेज का टास्क एकदम ख़राब हो जाता है पेपर में. आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होना चाहिए डिस्क्राइब इमेज का, कि आप टैम्पलेट ऐसा यूज़ करिए जो हर एक इमेज में यूज़ करें. तो हम आपको अभी एक ऐसा टैम्पलेट देने वाले हैं जो हम यहाँ पर VLE स्टूडेंट्स, विजन के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं और उनका परफेक्ट 90 स्कोर आता है, जैसे कि ये और ये, स्पेशली स्पीकिंग में. आपको इस टैम्पलेट को अच्छे से गो थ्रू करना है और मेक श्योर करना है कि आप इसको हर एक तरह की इमेज में प्रैक्टिस करिए. और प्रैक्टिस करने के लिए आप विजन लैंग्वेज के पोर्टल पर जा सकते हो. मैं आपको अभी टैम्पलेट दिखाता हूँ और इसको गो थ्रू करते हैं. आपको विजन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की वेबसाइट का एड्रेस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा. आपको यहाँ पे जाके साइन अप करना है और साइन अप के बाद आपके पास फ्री अकाउंट हो जाएगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हो. अपने फोन पे भी कर सकते हो, लैपटॉप्स पे भी कर सकते हो, सिस्टम्स पे भी कर सकते हो. अभी क्या करना है, आपने यहाँ पे जाकर आपको टैम्पलेट्स पे क्लिक करना है. अगर आप हमारे VIP मेंबर हो, आपको यहाँ पे फ्री टैम्पलेट्स दिख रहे होंगे. स्पीकिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये हमारा डिस्क्राइब इमेज का टैम्पलेट दिख जाएगा. ये डिस्क्राइब इमेज का टैम्पलेट बहुत ही ईजी टू फॉलो है, ईजी टू यूज है, यूनिवर्सल टैम्पलेट है. इसमें हमने क्या करना है, हमने 15 कीवर्ड्स ऐड करने हैं. कई इमेजेस में 15 कीवर्ड्स नहीं होते हैं तो आप 12 कर सकते हो, बट इसके साथ हम आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सेंटेंसेस देते हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने. सबसे पहले क्या करना है, आपने फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देख रहे होगे, फ्रॉम द इमेज आई कैन सी टॉपिक फ्रेज. टॉपिक फ्रेज में आप 1 से 2 से 3 वर्ड्स डिपेंडिंग ऑन इमेज टू इमेज इंसर्ट कर सकते हो. अगर आपको वहां पे बिल्कुल भी टॉपिक नहीं दिया हुआ तो आप क्या करिए, आप इमेज को देख के कोई सा भी आपको जो समझ में आ रहा है वर्ड वो वहां पे इंसर्ट कर दीजिए. उसके बाद आपने क्या करना है, 5 सेंटेंसेस बोलने हैं. आई कैन सी कीवर्ड कीवर्ड एंड कीवर्ड सिमिलरली टू दिस वन. कीवर्ड कीवर्ड एंड कीवर्ड आपने सिंगल कीवर्ड ही पिक करना है इमेज में से, डबल कीवर्ड्स नहीं पिक करनी है. ये मेक श्योर करिए कि आप इस चीज को प्रॉपरली फॉलो करिए और इसको मैं आपको एडवाइस करूंगा कि लिख भी लीजिए ताकि आपको भूले ना. आई कैन सी कीवर्ड कीवर्ड एंड कीवर्ड, यहाँ पे सिंगल कीवर्ड्स ही आएंगे. जब हम बोल रहे हैं आई कैन सी कीवर्ड कीवर्ड एंड कीवर्ड, ये सेंटेंस जैसे लगना चाहिए, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड नहीं लगना चाहिए. इसके बारे में आपको और डेप्थ में समझाता हूँ अभी. ऐसे ही आपने 5 कीवर्ड्स बोलने हैं, उसके बाद आपके पास 3 सेंटेंसेज आ रहे हैं जो हर एक डिस्क्राइब इमेज में आपने मेक श्योर करना है कि यूज करने ही करने. आई कैन सी ब्लू ब्लैक एंड रेड कलर, हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम ट्रेंड्स टू कंक्लूड टॉपिक, वो को आपका कंक्लूजन है. 4th सेंटेंस, टॉपिक आपका टॉपिक ही रहेगा, इसमें टॉपिक में कुछ इंसर्ट नहीं करना, आपने चेंज नहीं करना. आई कैन सी ब्लू ब्लैक एंड रेड कलर, हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर्स, मैक्सिमम मिनिमम ट्रेंड्स, इसको भी चेंज मत करिए, एज इट इज करिए. हाँ, कलर ऊपर नीचे कर सकते हो बट दैट्स फाइन,
अगर ऐसे बोलोगे तो इसमें से एक या दो कलर्स आपके डेफिनेटली हर एक इमेज में से आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, कीवर्ड्स पिक करने हैं। 25 सेकेंड्स आपको स्टार्टिंग में मिलते हैं, 25 सेकेंड्स प्रेपरेशन के लिए होते हैं। उसमें क्या करिए, उसमें कोई सी भी इमेज आ रही है, जैसे कि हमारी सामने अभी पेंगुइन की इमेज आ रही है, इसको हम जूम करते हैं और इसमें देखते हैं कि कीवर्ड्स हम कैसे फिगर आउट करेंगे। जब आपको 25 सेकेंड्स मिल रहे हैं, 25 सेकेंड्स में आपका ये जॉब होना चाहिए कि जितने भी कीवर्ड्स हैं उसको फटाफट से आप प्रिपेयर कर लीजिए और देख लीजिए कौन से कीवर्ड्स आपने नहीं बोलने हैं और कौन से कीवर्ड्स बोलने हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मैं देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे 130, 120, 110, 1 m मे बी मीटर होगा, 90, 80, 70, 60, 50, 40, ये सारे कीवर्ड्स, सारे नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। राइट हैंड साइड पे भी सेम नंबर्स दिए हुए हैं। अब नीचे लिखा हुआ है इनके नाम, चिन स्ट्रैप, एम्परर, जेंटो, एडले, एडले नहीं बोलना आता, हम स्किप कर देंगे, किंग, मैक्रोनी। तो हम यहाँ पे चिन स्ट्रैप, एम्परर, जेंटो, किंग और मैक्रोनी बोलने वाले हैं, नंबर्स बोलने वाले हैं। अब हमारे पास मे बी मैक्सिमम 4 सेंटेंसेज होंगे, इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, पेंगुइन, कितनी शेप्स हैं इसकी, कितने साइजेस हैं या कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तरह के पेंगुइन्स हैं, तो हम ये बोल देंगे 6 different types ऑफ पेंगुइन्स। ठीक है जी, इसमें से हम मेन मेन कीवर्ड्स उठा के उसमें इंसर्ट कर देंगे टेम्पलेट में। 25 सेकेंड्स में आपको थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा, आपके पास इमेज आती है, कोई इमेज भी आती है अगर उसमें बिल्कुल भी कॉन्टेंट नहीं है, जो इमेज में आपको दिख रहा है वो वाले कीवर्ड्स आप नोट डाउन करने लग जाइए। इसमें तो आपको दिखे हुए हैं, मिले हुए हैं, तो इसमें नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। बट कई जगह पे आपको बिल्कुल भी कंटेंट नहीं आता है, वो आपको ऐसी इमेज एक या दो डालते ही डालते हैं पेपर में, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, आप डर जाओ, हेजिटेट कर लो, बट हमने हेजिटेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये टेम्पलेट है। हमने उसमें से 3 सेंटेंसेस भी अगर बोल दिए, कीवर्ड कीवर्ड और कीवर्ड, उसके बाद हमने क्या बोलना है, हाइएस्ट एंड लोएस्ट नंबर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम ट्रेंड्स, आई कैन सी ब्लू, ब्लैक एंड रेड कलर टू कंक्लूड टॉपिक। तो हमारा डेफिनेटली कॉन्टेंट अब जाएगा ही जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस टेम्पलेट को इस इमेज के साथ यूज करके एक बारी आपके सामने मैं इसको बोल के दिखाता हूं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इमेज। आई कैन सी पेंगुइन, आई कैन सी 130, 120, 110, आई कैन सी 90, 80 एंड 70, आई कैन सी 60, 50 एंड 40, आई कैन सी चिन स्ट्रैप, एम्परर एंड किंग, आई कैन सी जेंटो, मैक्रोनी एंड पेंगुइन, आई कैन सी ब्लू, ब्लैक एंड रेड कलर, हाइएस्ट एंड लोएस्ट नंबर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम ट्रेंड्स टू कंक्लूड टॉपिक। दैट्स इट। हमने क्या करा, कीवर्ड्स पहले जो प्लान कर रहे थे वो पिक किए, नीचे से पिक किए, उसके बाद टेम्पलेट के अंदर जो कीवर्ड्स थे वो एड ऑन करें, और हमारा पूरा टास्क डिस्क्राइब इमेज का कंप्लीट हो गया। हमें इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है, जो लिखा हुआ है वो हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया और बोल दिया। कुछ नहीं लिखा होगा तो जो हमें समझ में आ रहा होगा वो हम नोट डाउन कर लेंगे वहां पे 25 सेकेंड्स के अंदर अंदर और बोलेंगे। इस चीज के अंदर आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि गाइस, जब हम सेंटेंस बोल रहे हैं ना, हम ऐसे नहीं बोल रहे आई कैन सी 110, 120, 130, मतलब वर्ड्स को ब्रेक करके बिल्कुल नहीं बोल रहे, हम उसको इस तरह से बोल रहे हैं कि वो सेंटेंस जैसे लगे, जैसे कि आई कैन सी 130, 120 एंड 110, इकट्ठा जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस है। जब आपका सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस होगा तो आपको नंबर 110% मिलेंगे। बट इसमें ही अगर आप कीवर्ड्स को ब्रेक कर रहे हो, 1, 2 एंड 3 अलग 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 करके बोल रहे हो, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो ये आपने माइंड में रखना है कि इस टैम्पलेट में आप कीवर्ड्स को ब्रेक बिल्कुल मत करिए, उसको 1, 1, 1 कीवर्ड ही रखिए, डबल मत डालिए। 3 सेंटेंसेस जो फिक्स्ड हैं वो एज इट इज जाने चाहिए, कंक्लूजन का भी जाना चाहिए, इंट्रोडक्शन का भी अलग से जाना चाहिए, और आपको डिस्क्राइब इमेज में कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब मैं भी पेपर देता हूँ, मैं भी इसी टैम्पलेट को रिवाइज करके एग्जाम में पेपर दे के आता हूँ, और मेरा भी 90 स्कोर आया। आप देख सकते हो मेरा स्कोर, जैसे कि आपने पहले भी देखा है स्क्रीन में। तो आपको भी यही फॉलो करना है, और आपके लिए ये टास्क विल बी द इजीएस्ट टास्क। स्टूडेंट्स जो साथ अचीव करना चाहते हैं बैंड्स, उनके लिए तो ये मतलब एक तरह का गोल्ड माइन है। क्यों? क्योंकि आपके स्पीकिंग में हमेशा 80 अबव आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अगर डिस्क्राइब इमेज को आप अच्छे से करोगे, स्पीकिंग आपका जंप करेगा, ओवरऑल स्कोर आपका जंप करेगा। 6, 6.5 के लिए तो डेफिनेटली आपका 80, 90 स्कोर कहीं नहीं गया डिस्क्राइब इमेज के टास्क में, और स्पीकिंग का स्कोर भी आपका ऊपर जाने वाला है। तो ये उन बच्चों के लिए भी है जो स्पीकिंग में काफी स्ट्रगल करते हैं, ओवरऑल स्कोर नहीं आ पाता उनका, ये आप इजिली अटेम्प्ट भी कर सकते हो हमारे विजन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के पोर्टल पे, और अपना स्कोर देख सकते हो, और एग्जाम में भी आपका ये 90 बैंड्स के लिए स्पीकिंग में वर्क करेगा। तो आइए आपको मैं हमारे पोर्टल में लेके जाता हूँ,
जहां पर हम इसको टेस्ट करेंगे, एआई स्कोरिंग से देखेंगे कितना नंबर आता है। कम से कम 13 से 14 मार्क्स तो आने चाहिए 15 में से। तो लेट्स डू दैट। फ्रॉम द इमेज आई कैन सी प्लांटेशन टू पेपर, आई कैन सी रेटा पाइनिंग एंड थाइनिंग्स, आई कैन सी डी बार्किंग एंड ड्रम, आई कैन सी चिपर वाटर एंड थर्मो मैकेनिकल, आई कैन सी रिफाइनर ट्रीज एंड वुड, आई कैन सी पेपर मेकिंग एंड मशीन, हाइएस्ट एंड लोएस्ट नंबर्स, आई कैन सी ब्लू ब्लैक एंड रेड कलर, मैक्सिमम एंड मिनिमम ट्रेंड्स टू कंक्लूड टॉपिक। तो इसमें मैंने क्या करा, स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ पे पाइनिंग्स बोला तो आई रियलाइज कि मैंने पाइनिंग्स बोल दिया पाइन की बजाय, बट आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। तो यही आपको एग्जाम में करना है, अगर आप कोई वर्ड एक्स्ट्रा बोल देते हो, एडिशनल बोल देते हो, दैट्स फाइन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसके अंदर मैंने एक दो एक्स्ट्रा वर्ड्स और बोल दिए क्योंकि मेरा यहाँ पे पाइनिंग्स निकल गया था, जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पे ट्रीज एंड वुड, ठीक है। तो आपको भी ये मेक श्योर करना कि कंटेंट में आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करिए। ऐसी इमेज में हमारे पास इनफ वर्ड्स हैं, तो 5 कीवर्ड्स तो हम सेंटेंसेस में बोले ही बोले ताकि हमारा बिल्कुल भी कंटेंट मिस ना हो। तो आइए रिजल्ट देखते हैं। एज यू कैन सी 14 आए हैं 15 में से, फ्लुएंसी में 4.7 आए, प्रोनाउंसिएशन में 4.5 आए हैं और कंटेंट में 4.8 आए। अभी मैं माइक भी यूज नहीं कर रहा हूँ फिर भी मेरा अच्छा स्कोर आया। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करता हूँ गाइस कि ये टैम्पलेट आपको हमेशा हेल्प करेगा, यूनिवर्सल टैम्पलेट है। और आप क्या कर सकते हो, विजन लैंग्वेज के पोर्टल पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने आप की स्कोरिंग भी चेक कर सकते हो, आपको स्टार्टिंग में कुछ फ्री स्कोरिंग भी मिलते हैं। और अगेन मेरा आपको एडवाइस यही है, कंटेंट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करिए, बट अगेन जैसे मैंने एम्फेसाइज किया था कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उनको बोलना सेंटेंस फॉर्मेशन में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक 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 करके कीवर्ड बोल रहे हो तो नंबर बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, ये टेम्पलेट को प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, अपने आप को यूज टू करिए ताकि पेपर में जाकर आप घबराइए ना। मैं भी जब पेपर देने जाता हूँ मैं भी 2 से 3 दिन लेता हूँ एग्जाम से पहले, हर एक चीज से रिविजन करने के लिए, हर एक चीज को यूज टू होने के लिए, ताकि मेरे को भी वहां जाके कुछ प्रॉब्लम ना आए, हेजिटेशन ना आए और मेरा पेपर अच्छे से जाए। तो मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगा, सारे टेम्पलेट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए और इसको भी करिए। अगले पार्ट पे चलते हैं। कई इमेजेस ऐसे आती हैं जिसमें बिल्कुल भी कोई वर्ड्स नहीं होते हैं, ऐसी इमेजेस में आपको वर्ड्स एक्स्ट्रा डालने होते हैं जैसे कि ट्रेंड्स, कलर्स, शेप्स एंड सो ऑन। ऐसी इमेजेस में ये वर्ड्स डालने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं और ये आपको हेल्प भी करता है ज़्यादा बोलने में। कई इमेजेस में कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बच्चे क्या गलती करते हैं कि कंटेंट सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही उठाते हैं और कई जगह से कंटेंट कम्प्लीटली मिस आउट कर देते हैं। आपकी जॉब होनी चाहिए कि डिस्क्राइब इमेज में कि कंटेंट कहीं से भी मिस नहीं करना है, आपको हर एक पोर्शन से कंटेंट पिक करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक पोर्शन से जब आप कंटेंट पिक करते हो तो आपकी कंटेंट की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। ये आपको अश्योर करना है कि जो टेम्पलेट हमें आपको अभी यूनिवर्सल दिखाया है ये आपको पेपर से पहले सभी पीटी एस्पिरेंट्स को प्रैक्टिस करनी है हर एक प्रकार के क्वेश्चन के लिए, ताकि आप पेपर में जाके कन्फ्यूज मत होइए। और प्रैक्टिस करने के लिए www.visionlanguageexperts.com.au पे आप जा सकते हो और वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपको एआई स्कोरिंग भी मिलेगी। मेक श्योर करिए कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और यूटिलाइज़ करिए अपने एग्ज़ाम में, और आपका भी रिज़ल्ट आएगा जैसे हमारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आ रहा है अभी भी, और परफेक्ट 90 स्कोर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि कभी भी हम ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस डालते हैं तो आप उसको मिस ना करिए। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम और ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने वाले हैं आपके लिए, आपकी पीटी की जर्नी को ईजी करने और आपका स्कोर लेके आने में मदद करने। थैंक यू गाइज, विशाल है साइनिंग ऑफ फ्रॉम विजन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, आपको अगली वीडियो में हम मिलेंगे।